इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी और बढ़िया खबर है। दरअसल ये खबर जो है वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जो लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं और मेट्रो से ऑफिस जाते हैं, उनके लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है टिकट के लिए। जिनके पास कार्ड है उन्हें भी एक तरह से कहा जा सकता है कि चेकआउट के लिए हमने देखा है कि लंबी लाइनें होती हैं, और हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने इसी साल मई में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर व्हाट्सएप आधारित नई टिकटिंग प्रणाली को शुरू किया था। डीएमआरसी का ये फैसला सही साबित हुआ है और अब दिल्ली मेट्रो ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सहित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की सभी लाइनों को कवर करने के लिए इस टिकटिंग प्रणाली का विस्तार किया है। तो दिल्ली एनसीआर में समय समय पर यात्रियों की सहूलियतों का के हिसाब से फैसले लिए जाते रहे हैं, जैसे कि पेटीएम फ़ोनपे एयरपोर्ट लाइन के माध्यम से क्यूआर टिकटिंग की सुविधा देता था। इसी कड़ी में डीएमआरसी ने अपनी व्हाट्सएप आधारित नई टिकटिंग प्रणाली का विस्तार करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में इसी साल मई में जिस तरह से जो चेंजमेंट हुआ था एयरपोर्ट वाली लाइन में, जो मेट्रो है उसमें व्हाट्सएप के जरिए टिकटिंग मिल जाती थी। आपको बता दें कि एक व्यक्ति द्वारा एक बार में अधिकतम 6 क्यूआर टिकट तैयार किए जा सकते हैं। सभी लाइनों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच और एयरपोर्ट लाइन यानी कि ऑरेंज लाइन के लिए सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक टिकट बुक किए जा सकते हैं। व्हाट्सएप टिकटिंग में टिकट रद्द करने की अनुमति नहीं है। क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर लेन देन पर सीमांत सुविधा जो है वो शुल्क लागू किया जाएगा। यूपीआई आधारित लेन देन के लिए कोई सुविधा शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। व्हाट्सएप के जरिए टिकट किया जा सकता है। आपको बता दें कि आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में डीएमआरसी का आधिकारिक जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वो आपको एक बार मैं बता देती हूँ, 9650855800 है। वैकल्पिक रूप से आप चैटबोट क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं जो सभी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन टिकट और कस्टमर सर्विस डेस्क पर प्रदर्शित होता है। व्हाट्सएप के जरिए आप नए संपर्क से जुड़े और हाय लिखकर इसको भेजो, और उसके बाद पूरा जो टिकट करने का आपकी तरीका है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको कमांड मिलती रहेगी, कमांड आता रहेगा कि इस पर क्लिक करें, ये करें, वो इस तरह से करें। तो ऐसे आप टिकट अपना कर सकते हैं। मुझे लगता है ये दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए और मेट्रो से जो सफ़र करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।